भाइयों फाइनली अब बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब टाइम भी हो चुका है 12:30, अब इसके बाद चलते हैं। कहाँ जाना है? रोडू। हाँ अब चलते हैं रोडू और खाना पीना वहाँ पे खाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है नाइट स्टे हिमाचल हो सकता है। अभी फोन देखते दे हैं अपना, क्या विचार बनता है प्रिया को करता तेरे फोन से। और चले अब रोडू के लिए। अभी फुल फ्लावरिंग हो रखी है यहाँ पे, ये सेब के बगीचे है हिमाचल में लोगों के, और घर भी आप देख ही रहे होंगे, जहाँ घर है वहीं बगीचा बना रखा लोगों ने। चले हम रोड की तरफ, बारिश हो रही है यहाँ पे और भूख भी लगी है। तो सुबह से भूखे हैं संजू भाई, अभी नारियल खा रहे हैं, अभी नारियल से थोड़ा भी अपनी भूख मिटा रहे हैं बाकी प्यास थोड़ी देर में बुझाएंगे। तो ये यहाँ पे बी बॉक्स रखे हैं पोलिनेशन के लिए। पहुंच गए भाई लोग हम कहां, रोडू। रोडू जाना वहां से बना लिया बहुत उमदा नजारा है यहाँ का रोड का। मैं भी करीबन 5-6-7 साल बाद आया हूँ, मुझे भी खासी जानकारी है नहीं, पर आप देख सकते हैं तो जब तक मुझे पता है शायद बहुत कंजेस्टेड मार्केट है रोड का। ये है भाई घूमने के लिए स्पेशल बना रखे हैं मॉडिफाई करके जिप्सी। नगर पालिका परिषद रोड, यहाँ अब पहुंच चुके हैं बरोहम नगर पालिका परिषद गवर्नमेंट रोड। ये देखे भाई, ये है भाई रोड, रोड में हम नगर पालिका परिषद प्रवेश कर चुके हैं। आगे रुकना है क्या? इससे भी आगे रोड होगी ना यार, चलते हैं कहीं खाने पीने का देखते हैं, कुछ भूख भी काफी लग रही है ना। 1 मिनट भाई जी, 2 घंटे का रास्ता है। रामपुर काफी दूर है यहाँ से, शिमला से दूर है मेरे हिसाब से, देखेंगे अभी सर कितना। मैं तो ये कह रहा था कि वहाँ से मनाली तो काफी दूर है, शिमला नजदीक है। शिमला नजदीक है, हम शिमला हो क्या है क्या? ना हो क्या आते हैं, पहले आगे पूछ लेते हैं कि क्या पता अगर जुब्बल जुब्बल से ऐसे करके कहीं से टर्न है। खाना वाना हम देखेंगे रोड से आगे, अभी रोड में गाड़ी वाड़ी हरी हरी जगह इतनी है नहीं कोई। ये बस स्टैंड है यहाँ का, ये जी यहाँ का बस स्टैंड, बस स्टैंड रोडू, ये यहाँ पे बस स्टैंड। दिल मेरा भी कर तू भाइयों, बारिश हो चुकी है बहुत तेज, आप देख सकते हैं शीशा बूंद बूंद बिल्कुल, बहुत तेज हो चुकी है बारिश। और प्रियस भाई आराम से बैठे हुए और पंकज भी आराम से बैठा हुआ रोड़ों में आराम कर, और अब कर रहे हैं आराम थोड़ी देर, खाना पीना खाएंगे फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है, क्योंकि बारिश हो चुकी है बहुत तेज, तो कुछ भी हो सकता है, यहीं भी रुकना पड़ सकता है क्योंकि ऐसी बारिश में दिक्कत ही होती है। और बाकी खाना खाते हैं तब देखते हैं। दोस्तों बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बारिश बहुत हैवी बारिश हो रही है, और आज तो शिमला जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया। आप मौसम देख ही रहे होंगे, ऐसे मौसम में शिमला कैसे जाएं, तो अभी फिलहाल यहीं रुकने का प्लान बना है। क्या नाम क्या बोला यार वहाँ का, क्यारकू से धारा, अभी तो धारा गाँव जाना है, वहाँ से जाना हमें क्यारकू,
और सेखल में है, ये रोड में पड़ता है। तो अभी हमने वहाँ जाना है, अभी यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव है तो उनके यहाँ हमने आज नाइट स्टे वहीं है हमारा। तो संजय भाई अभी गाड़ी बहुत खींच के रखी है उन्होंने, खोपड़ी खराब हो रखी है हमारी, आज मौसम ने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। तो भाई लोगों अब पहुंच चुके हैं हम जहां हमने जाना था, प्रवीण के कोई रिलेटिव थे और ऐसे रिलेटिव थे भाई, गाड़ी की हालत देख लो कैसी जगह लेके गए यार। एक बार गाड़ी देख लो आप, ये गाड़ी की हालत देख लो भाई। एक बार तो गाड़ी जब चढ़ नहीं रही थी ये देखो, तो वहीं पे हौसला टूट गया था। ये देखो भाई अगला भाई दिख ही नहीं रहा अंदर, अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ऐसी जगह लेके गया। लेकिन क्या बोले, जगह अच्छी है कोई बात नहीं। क्या बोले, मूड ही खराब हो गया, कल तो शिमला भी नहीं जाना है ऐसी हलको। तो भाई लोगों अपन पहुंच गए इधर, पता नहीं कौन सी जगह है, ऐसे मतलब रिलेटिव है इनके परवीन भाई के। हम आ चुके हैं मतलब 20 किलोमीटर और बिल्कुल पूछ के आए हैं, और जिनके हमने जाना है वो अभी तक भी मतलब हमें रिसीव करने नहीं आए हैं। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर इतना हमने ढूंढ लिया है तो घर भी ढूंढ लेंगे। अगर इधर तो कुत्ते भी होते हैं बगीचों में, पता चल रहा है कहीं जाने के चक्कर से 14 इंजेक्शन अलग से लग गए। देखो भाई लोगों कैसी जगह है, परवीन और पंकज आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड हो चुका है ऑफ। क्योंकि एक तो रोड है ऐसी दो कौड़ी की बिल्कुल रोड, ऊपर से हाँ वही है और देख लो सामने एक कुत्ता भी है। अब ऐसे किसके आम निकले, कुछ खिलाने को खिला दे उस कुत्ते को भाई, तभी जाके मानेगा वो। तभी तो बोला कुछ खिला दे उसको, रखा है कुछ नमकीन बिस्कुट कुरकुरे कुरकुरे। भाई लोगों फाइनली हम पहुंचे हैं इनके यहाँ, जहाँ मैं आना था नहीं है। और मेंशन करना पड़ेगा सेम जगह, मैंने बता दी थी भाई को कि बगीचा मेरे दोस्त का है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ पैदल भी नहीं चलना पड़ता और रोड भी सेफ थी और गाड़ी की ऐसी तैसी भी नहीं होती। तो भाई कहाँ मानने वाले हैं, भाई बोल रहे इतनी दूर से आए तो घूम लेते हैं। अभी पता चल रहा है कि ठीक है बगीचे में अच्छा लग रहा है, पहुंच कल सुबह अब यहाँ का आनंद लेंगे। कल सुबह आनंद जो भी लेना है अभी थोड़ी देर में ही लेंगे। और अपना कोहरा वगैरह लगा हुआ है, फॉग चल रहा है बढ़िया, हो जाए तब तक मौसम साफ। और अगर टाइम से मौसम साफ होता मुझे लग रहा है हम अभी निकल लेंगे, तो अभी हम और नहीं साफ होगा तो हम सुबह निकलेंगे टाइम से। भाई लोगों ठंडा बतेरा लग रहा है, अब जल गया हमारे लिए हीटर क्योंकि। तो दोस्तों अब जाके यहाँ से कोहरा वगैरह फॉग वगैरह हो गया ख़त्म, अब दिखाते हैं आपका इधर का नज़ारा। ये देखें भाई नज़ारा यहाँ का, कैसी जगह, हम देखें बादल ही बादल, ओ माय गॉड कैसा, बहुत प्यारा नज़ारा है भाई, बहुत प्यारा नज़ारा, सारा बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ दिखता हुआ। ये पूरा वो एक बार आपको ऐसे भी दिखा, ये अपना घर है जहाँ हम रुके हैं, ये देखिए अच्छा है घर, तो अच्छा है काफ़ी लंबा है ऐसी जगह इतना घर, मतलब हिमाचल तो वैसे भी काफ़ी डेवलप है। अब ये दिखाते हैं आपको पीछे नज़ारा, ये देखें कैसी जगह हम। तो भाइयों अभी बहुत देर बाद मिले हैं पीएस भाई, जो नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पे तो पीएस भाई, भाई आए तो है पर यहाँ से देख के खुद ही देख सकते हैं आप लोग। पहले एक बार कैमरा घुमा दे यार भाई, घुमा दे कैमरा। बहुत बढ़िया, मतलब कैसी इतनी मेहनत के बाद मतलब पहुंच गए परवीन भाई की मेहनत। वो लोग भी खुश नसीब है, मतलब सुबह उठ के इस नजारे को देख के। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कितना दूर आना पड़ा, सही बात है। तो कैसा लग रहा है मतलब अभी आपको, मतलब कैसा फील हो रहा है आपके मन में? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है पर अभी रास्ते को देख के मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ फिलहाल, मैं भी निशब्द हूँ। रास्ते के बारे में मत पूछना, बस ये पूछो कि लग कैसा रहा, व्यू कैसा है। हाँ। आप देखो और जहाँ भी देखो तो ये सेब के बागवान ही बागवान दिख रहे हैं आपको, जहाँ तक नजर जा रही है आपकी।
सही बात है, पूरा कोई जगह नहीं छूट रखी जहाँ पे सेब का पौधा है लगा हुआ। सही बात, हमारे पैर के नीचे से देख लो आप, बिल्कुल बिल्कुल यहीं से और सीधे जहाँ तक नजर जा रही है वो सेब के पौधे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडा भी बड़ा है भाई इधर, और ये घर भी दिखा दो ना, घर तो देख लो घर है ये वाला और ये वाला। यहाँ हम रुके हैं आज, देखते हैं। तो भाइयों अभी हल्का हो गया है अंधेरा और मैं आया हूँ बाहर, ये आपको जो है नाइट का इधर का व्यू दिखाने। किस तरह का नाइट का व्यू रहता, मतलब पूरी पहाड़ियाँ चमकती रहती हैं, आप देख सकते हैं, आपको सारा बिल्कुल देख सकते हैं सारा। भाइयों हो चुकी है सुबह, मैं निकला हूँ बाहर और आपको दिखाते हैं सुबह का नज़ारा कौन सी जगह हम। ये देखो सामने, देखो बर्फ भी पड़ी हुई, पर्वत पर्वत तो है नहीं पर बगीचे ही है वो भी लगभग, पर बर्फ पड़ी हुई भर भर के। देखो क्या नज़ारा है भाई लोग। अभी अपन चलते हैं फिर देखते हैं आगे से क्या प्लान बनता है। हेलो भाइयों हो चुकी है गुड मॉर्निंग और टाइम हो चुका है करीबन 7:30 से ऊपर, और चाय अभी चाय पीते हैं, एक पीएस देता हूँ सबको चाय, और इसके बाद चलते हैं यहाँ से। मॉर्निंग टी अपन दो ही इसके साथ रिप्लेसमेंट। आए वाह बहुत उम्दा खतरनाक की भाई। पंकज भाई जरा हमारे साथ ही बैठे हैं, पंकज शर्मा रहा है क्या पता, ब्लॉक से कल से पता नहीं किस बात से शर्मा रहा है इसके। वैसे तो सीनियर तो एक खुद ही है अपने स्कूल में, तो इसकी रैगिंग भी नहीं हो सकती और किसी को अगर इससे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ सुलझाना होगा तो ये नवोदय में पड़ता है, वहीं जाके पटेल लेने इसको फिर हम अपने आप देखते हैं, फिर हम अपने आप देख लेंगे। टमटा भाई कैसा लग रहा है? लग तो ठीक रहा है, कल मतलब थोड़ी दिक्कत हुई थी तो आके मतलब ठीक है, संतुष्टि हुई आके, यहाँ पे भी मतलब सुकून मिल गया है कुल मिला के। अब चलते हैं फिर, मन तो यहीं रुकने का कर रहा है लेकिन आगे भी जाना है। आगे कहाँ जाना है? शिमला जाना है। हाँ अभी शिमला का प्लान है, देखते हैं फिर आगे से क्या बनता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारी प्लानिंग कोई फिक्स नहीं है। बस भाई क्यों भाई पंकज देखा कर प्लानिंग, मतलब कहीं भी चल देते हैं झोला उठा के, फिक्स नहीं बना, फिक्स प्लानिंग में कभी भी हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, जाएंगे हमारी फिक्स प्लान। अभी चले हैं यहाँ से, चल दिए और पीएस भी है पीछे, और इनका ये दूसरा घर है भाई, ऊपर दिख रहा है अपना मस्त ऑसम। और अपन चले अब यहाँ से, बड़ा मजा आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुबह की 5 या 6 बज रही है लेकिन टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, और अभी हमें लगने वाले 3 से 4 घंटे शिमला पहुँचने में, तो देखते हैं कब तक शिमला पहुँचते हैं। और थक गए भाई, चल चल के कड़ी चढ़ाई है, ये देख लो ऐसी चढ़ाई पे चढ़े हैं भाई हम, और ये पहुंचते हुए भाई अभी रोड पे पहुंचे बड़ी मुश्किल से। तो भाई जी रोड पे पहुंच के कैसा लग रहा है आपको? अभी लग रहा है कि थोड़ा कुछ सुकून मिला है सभी को, कि कहां ही पहुंचे हमें, एक टेंशन खत्म हो गई, मतलब अब दूसरी टेंशन गाड़ी पे पहुंचे, गाड़ी की भी हालत ऐसी और की है गाड़ी। तो भाई लोग ये है हमारी गाड़ी, यहाँ पे लगी एक्सयूवी, गाड़ी का हालत हमने कल ही दिखा दी थी कैसी कीचड़ से भरी हुई है, ड्राइवर साहब का कल मूड ही ऑफ हो गया था, हमारे पास इतने हैवी ड्राइवर नहीं होते तो कल नहीं आते हम यहाँ। गाड़ी की हालत देखो, गाड़ी की हालत देखो, कपड़ा वपड़ा है कुछ अंदर पड़ा हो तो साफ कर देना, नहीं इस पे पानी मारेंगे आगे जाके।